दोस्तों आज हम कूलर मोटर की रिपेयरिंग करने वाले हैं। इस कूलर मोटर में देखिएगा तो एक तरफ दो तार निकला हुआ है और दूसरी तरफ दो तार निकला हुआ है जो डायरेक्ट कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है, यानी गनगना है। जब इसमें हम 220 वोल्ट की करेंट दे रहे हैं तो ये सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है, गनगना रहा है और ये थोड़ा सा भी नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल फ्री है। इसमें 5 डायना लगा हुआ रहता है इस प्रकार का। इसको कहीं भी कम जगह पर इसको इस तरह लटकाकर बहुत आसानी से चला लेते हैं। सबसे पहले इसको हम कैसे चेक करेंगे, इसमें क्या फॉल्ट आता है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको एक एक पॉइंट विस्तार से समझाकर बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको एक सीरीज बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास सीरीज बोर्ड नहीं है तो इस प्रकार का मल्टीमीटर आपके पास जरूर होना चाहिए, दोनों में किसी न किसी एक आपके पास होना चाहिए। तो हम दोनों से चेक करना आपको सिखाएंगे कि कैसे आप सीरीज बोर्ड से चेक कर सकते हो और कैसे आप मल्टीमीटर से इसको चेक कर सकते हो। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसको इस तरह रखेंगे और आपको सीरीज बोर्ड से हम चेक करके यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे चेक करना है। और इससे जो दो तार निकला हुआ है जिससे हम डायरेक्ट 220 वोल्ट की करेंट इसमें देते हैं, उसको चेक करने के लिए सीरीज बोर्ड में कुछ इस प्रकार का वायर हम लगाएंगे। एक तरफ प्लग रहेगा और एक तरफ दोनों वायर इस तरह खुला रहेगा जिससे हम इसको चेक करेंगे। तो चलिए इस सीरीज बोर्ड में हम इसको लगा देते हैं, उसके बाद स्विच को ऑन करेंगे और जो 220 वोल्ट का करेंट यहाँ इनपुट देते हैं इसको हम पहले इस तरह लगाकर चेक करेंगे। अगर 100 वाट की बल्ब ग्लो कर रहा है तो ठीक है। उसके बाद किसी एक तार पे इसको, एक तार को इस तरह सटाकर बॉडी में सटाइए, कहीं बॉडी और तो नहीं है, इस तरह आपको चेक कर लेना है। उसके बाद ये कैपेसिटर में जो दो वायर जोड़ा हुआ रहता है, इस कैपेसिटर की वायर को भी आप इस तरह छोड़ा दीजिएगा। छोड़ाने के भी बाद इसको सेम तरीका से चेक करना है। तो इसमें भी आपको चेक कर लेना है, देख सकते हो सीरीज बोर्ड वर्क कर रहा है और इस दोनों वायर में यहाँ पे हम चेक कर लेंगे तो इस दोनों वायर में कोई भी हमको कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है, यानी ये कैपेसिटर का जो वायर है ये कहीं से टूटा हुआ है या जल गया है अंदर, तभी इसमें कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। ये तो हम आपको सीरीज बोर्ड से चेक करने का तरीका बता दिए। अगर सीरीज बोर्ड आपके पास नहीं है तो मल्टीमीटर से कैसे चेक कीजिएगा, तो मल्टीमीटर से बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हो, इसमें आपको शॉक लगने का भी डर नहीं। तो मल्टीमीटर के सबसे पहले कंटिन्यूटी रेंज पर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में इस दोनों वायर को इस तरह पकड़िएगा और एक एक प्रो को यहाँ पे लगाकर आप इस तरह दोनों में टच करके चेक कीजिएगा। अगर मल्टीमीटर में कोई भी कंटिन्यूटी मिल रहा है तो ये वायर जो अंदर से है बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रहा है। हम सीरीज बोर्ड से भी चेक किए तो कंटिन्यूटी मिल रहा था और मल्टीमीटर से भी चेक किए तो कंटिन्यूटी मिल रहा है, और इसमें सीरीज बोर्ड से कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा था। तो हम मल्टीमीटर से चलिए यहाँ पे चेक करके देखते हैं। तो मल्टीमीटर से भी यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं तो हमको कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है, देख सकते हो। तो इस तरह हम दोनों वायर को यहाँ पे सटाए हुए हैं फिर भी मल्टीमीटर में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। अगर इसमें अर्थिंग है कि नहीं, एक वायर पे इस तरह हम सटाएंगे और बॉडी में सटाकर देखेंगे कि बॉडी अर्थ तो नहीं है, तो यहाँ पर बॉडी अर्थ भी नहीं है। इस तरह मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं और सीरीज बोर्ड से भी बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। अब ये तो हमने पता लगा लिया कि जो 220 वोल्ट का करेंट इसमें इनपुट देते हैं ये वायर ठीक है, ये कैपेसिटर वाला वायर है ये खराब है। तो इसको खोलेंगे। इसको खोलने के लिए आपको 8 नंबर का स्क्रू ड्राइवर चाहिए, चाहे तो इस तरह का टी वाला स्क्रू ड्राइवर ले सकते हो या जो रिंच होता है वो रिंच भी ले सकते हो। ये चलिए सभी स्क्रू को हम फटाफट यहाँ से खोल देते हैं। जब इसमें का चारों इस नट को यहाँ से खोल लीजिएगा तो ये जब बड़ा बड़ा छड़ी लगा हुआ है, इस छड़ी को आप यहाँ से निकाल दीजिएगा, ये बहुत आसानी से निकल जाता है। ये यहाँ पे आपको फूट हटाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये चारों छड़ी को हम निकाल कर साइड में रख दिए। उसके बाद इसको बाहर इस ढक्कन को निकालना है, दोनों तरफ से ये निकल जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कौन सा निकल रहा है। तो देखिएगा जिसमें वायर है ये वायर वाला ही निकल रहा है। तो इस वायर वाला को इस तरह अंदर की तरफ वायर को दबाइएगा और इसको थोड़ा सा ऊपर उठाइएगा तो ये बहुत आसानी से निकल जाती है, देखिएगा वायर ये टूट ना पाए। तो चलिए यहाँ पे हम बहुत आसानी से इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अंदर की तरफ से इस तरह दोनों वायर को निकाल लेंगे। तो इसमें देखिएगा इसको हम बहुत आसानी से निकाल लिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या था कि ये जो रेड वाला तार था, रेड वाला तार में हमको कंटिन्यूटी मिल रहा था और ब्लैक वाला तार में कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा था। ब्लैक वाला तार कैपेसिटर का था। तो इस तार को हम यहाँ से खोलेंगे, देखिएगा ये धागा से बंधा हुआ रहा, ये धागा को हम किसी एक जगह से कट कर लेंगे और इसको खोल कर देखेंगे ये वायर कहीं से ना कहीं से अंदर से टूटा हुआ है। ये जो स्लिप लगाया हुआ है ये स्लिप के अंदर से टूटा हुआ है।
चलिए हम थोड़ा जूम करके आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं। हम इसको जूम कर दिए, उसके बाद में इस धागा को हम कटेंगे ब्लेड से। आप कटिएगा हल्का सा, जो जो ब्लेड तेज हो तो काट सकते हो, या कैंची होगा कैंची उसको काट सकते हैं। इस तरह हम इसको काट कर इस धागा को यहाँ से हम खोल लेंगे, ताकि यहाँ जोंडा तो यहाँ है जहाँ पर रेड तार, ये तो कंटिन्यूटी मिल रहा है, तो इसको खोलने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से कट कर लेंगे और फिर इसको हम बांध देंगे यहाँ से ज्वाइन करके। तो पहले तो इसको हम चलिए फटाफट खोल देते हैं, यहाँ तक खोल दिए। उसके बाद ये जो गांठ लगाया हुआ, इस गांठ को भी हम यहाँ से खोल देंगे। तो इसको हम यहाँ से खोल दिए, उसके बाद में इसको सीधा करना है। उसके बाद इस वायर को हल्का सा निकालिएगा, तो देखिएगा अभी ये यहाँ से टूटा हुआ नहीं है। उसके बाद दूसरा वाला वायर को भी हम यहाँ से चेक करेंगे, तो ये भी वायर यहाँ से नहीं टूटा हुआ है। इसको भी हल्का हम यहाँ से निकाल कर देख लेते। तो दोनों वायर को हम हल्का हल्का यहाँ से निकाल लिए, अब यहाँ से हम चेक करेंगे। तो चलिए इसको हम मल्टीमीटर से ही चेक करते हैं। तो इस दोनों प्रो को दोनों वायर पे यहाँ से हम लगाकर चेक करेंगे, तो देखिएगा ये कंटिन्यूटी यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, यानी वायर भी ये जोड़ा हुआ है बिल्कुल, ये अब यहाँ पर भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। तो अब ये वाला वायर को एक तरफ वायर दो ज्वाइन करके यहाँ पे एक वायर में निकाला हुआ रहता है। तो इसको भी हम खोलेंगे और इसको भी यहाँ से हम चेक करेंगे। तो चलिए इसको भी, इस धागा को यहाँ से हम कटे हुए हैं तो इसको भी खोल लेते हैं। अब ये वाला धागा को भी हम यहाँ से खोल दिए, उसके बाद इस वायर को भी देखेंगे तो यहाँ से भी कोई वायर टूटा हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिर भी इसको हम निकालेंगे इस स्लिप से निकाल कर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई वायर टूटा हुआ है कि नहीं टूटा हुआ है, पहले आपको चेक कर लेना है। तो इसको भी जब खोल लीजिएगा तो यहाँ से कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा, देखिएगा कि ये ब्लैक तार और एक रेड तार ये दोनों आपस में शॉर्ट है, यानी आपस में ज्वाइन है, और एक तार ये खुला है जो डायरेक्ट इसमें देखिएगा एक रेड तार में। तो ये स्टार्टिंग का और रनिंग का दोनों तार आपस में ज्वाइन करके एक रेड तार निकला हुआ है, और एक रेड तार में देखिएगा कि ये 220 वोल्ट के लिए इनपुट है और यहाँ के कैपेसिटर में भी इनपुट है। स्टार्टिंग का तार है, उस पर हम एक प्रो को सटाएंगे और दूसरी प्रो को इस तरह सटाकर इस मल्टीमीटर में हम चेक करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूटी हमको मल्टीमीटर में देखने को नहीं मिल रहा है, वहीं अगर हम रनिंग में सटाएंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रहा है, यानी इसका जो रनिंग का तार है बिल्कुल कंटिन्यूटी मिल रहा है, स्टार्टिंग के तार में कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है, जिसके चलते ये सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है और ये चल नहीं रहा है। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि कहीं पर वायर कटा होगा या थोड़ा सा भी जला होगा, नहीं चलता होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये कपड़ा लगाया हुआ रहता है, कपड़ा वाला टेप रहता है, इसको उधार कर आपको देख लेना है। तो इसको चेक करने से पहले ये आगे वाला जो पर्सन है, इस आगे वाला पर्सन को भी हम चलिए निकाल ही देते हैं, ताकि हमको चेक करने में दिक्कत ना हो। उसके बाद इधर से भी आपको देख लेना है कि कहीं पर वायर टूटा हुआ तो नहीं है, नहीं तो कहीं से थोड़ा सा भी वायर लीकेज हो जाता है तो प्रॉब्लम चला दी है। पहले आपको यहाँ पे गौर से देख लीजिएगा, उसके बाद में हम आगे का स्टेप आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे गौर से आप देखने की कोशिश कीजिएगा, तो देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे आपको काला डॉट नजर आता होगा, तो यहीं पे इसका प्रॉब्लम है। यहाँ से इस कॉइल को हल्का सा उठाइएगा तो देखिएगा ये कॉइल हल्का सा यहाँ से टूटा हुआ है, ये वाला कॉइल। उसके बाद इसी कॉइल को आपको ज्वाइन कर देना है, बस इसका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। इसमें कुल टोटल आपको अल्मोनियम का कॉइल मिलेगा, तो अल्मोनियम का कॉइल में तो सोल्डिंग करना कठिन काम है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको एक लाइटर की जरूरी पड़ेगी या माचिस की जरूरी पड़ेगा। इसमें जो पेंट लगा हुआ रहता है, इस पेंट को पहले जला दीजिएगा। जब इस वायर को दोनों को लाइटर की सहायता से जला दीजिएगा तो ये पूरी व्हाइट व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद अलग से आप थोड़ा सा अल्मोनियम का वायर लीजिएगा। अब इसको दोनों मुंह को जलाकर इसका जो पेंट है, इसको पेंट को आप उड़ा दीजिएगा। इस तरह जलाकर इसमें का पेंट जो है, पेंट को उड़ा दीजिएगा और एक तरफ पहले आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, एक तरफ ज्वाइन कर दीजिएगा, फिर उसी तरह दूसरी तरफ इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। दोनों तरफ जब ज्वाइन कर दीजिएगा तो ये जो थोड़ा सा बड़ा वायर बचा हुआ है इसको साइड में इस तरह साट दीजिएगा। उसके बाद ये तो खुला हो गया, तो इसको चिपकाना होगा। तो इस तरह का सिलिकॉन टेप आपको मार्केट में मिल जाती है, जो कपड़ा वाला टेप होता है, उस टेप से इसको यहाँ पे चिपका दीजिएगा, कहीं इस पे बॉडी अर्थ ना ले। तो इसको अच्छी तरह यहाँ पे चलिए हम चिपका देते हैं। तो इस तरह आप चिपका दिए, अब हमको इसमें करंट फैलने की डर नहीं है। अब इसको अच्छी तरह यहाँ पे चिपका दिए, अब इसमें करंट फैलने की हमको डर नहीं है। अब चलिए यहाँ पे हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए यहाँ मल्टीमीटर को हम सामने आपके सामने रख दे रहे हैं। अब इसमें कंटिन्यूटी कहाँ पे नहीं मिल रहा था, तो ब्लैक तार में कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा था। एक प्रो को यहाँ पे सटाएंगे और दूसरी प्रो को यहाँ पे सटाएंगे तो देखिएगा मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी हमको बिल्कुल मिल रहा है, 398 कंटिन्यूटी मिल रहा है।
और रेड तार में भी हम चलिए एक बार और इसको चेक कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे चेक कर लें तो यहाँ पे भी कंटिन्यूटी मिल रहा है। तो जो लाइन की तार है 220 वोल्ट इनपुट करते हैं, इसमें कंटिन्यूटी आपको कम मिलेगा और जो कैपेसिटर का वायर होगा उसमें कंटिन्यूटी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह तो ये इसका प्रॉब्लम दूर हो गया। अब चलिए जिस तरह पहले था सेम तरीका से इसको हम यहाँ पे बांध लेंगे। इसमें वायर अभी ठीक है, ये वायर पूरी तरह जला हुआ नहीं है, अभी इस वायर की स्थिति बिल्कुल कंडीशन में है, इसलिए नहीं तो हम इस वायर को चेंज भी कर देते हैं। अब इसको इस तरह लगाकर फिर से आप नया धागा ले लीजिएगा, ताकि इसको हम कट कर दिए तो ये छोटा छोटा हो गया धागा। अब नया धागा से इसको चलिए हम फटाफट बांध देते हैं। जिस तरह पहले धागा से ये बांधा हुआ था सेम तरीका से इसको हम यहाँ पे बांध दिए। अब इसको पहले कसा हुआ था सेम तरीका से इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, कवर को लगा देंगे। फिर ये बैक जो कवर है इस कवर को हम लगा देंगे। तो इस कवर को लगाने के लिए पहले इसमें इसको वायर को इसमें लगा दीजिएगा, जिस तरह पहले इसमें वायर लगाया हुआ था सेम तरीका से लगा देना है, और फिर दूसरे वाला वायर को इसको लगा देना है। अब इसमें बैठाइएगा। चलिए हम इसको फटाफट बैठाकर चारों नट बोल्ट को लगाकर इसमें हम कस लेते हैं। उसके बाद हम इसको फिर चेक करके आपको मल्टीमीटर से और सीरीज बोर्ड से दोनों से हम आपको दिखाने वाले हैं। जब इसमें चारों नट बोल्ट को लगाकर कस लीजिएगा, उसके बाद इसको चेक करना है ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ये नहीं कि नट बोल्ट इसमें लगाकर हम इसको खूब टाइट कर दिए और ये जाम हो गया। इस तरह आपको उतना ही टाइट करना है जितना ये फ्री रहे, बिल्कुल ये फ्री है, देख सकते हो हाथ से बिल्कुल ये घूम जा रहा है। उसके बाद इसको अब हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि अब दोनों तार में कंटिन्यूटी हमको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो इस कैपेसिटर की वायर में हम पहले चेक करेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा हमको कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। कितना कंटिन्यूटी मिल रहा है, 530 के करीब कंटिन्यूटी मिल रहा है। और ये रेड तार में कितना कंटिन्यूटी मिल रहा है, तो 161 के करीब ही कंटिन्यूटी मिल रहा है। यानी जिसमें कम कंटिन्यूटी मिले इसमें 220 वोल्ट की करंट हम इनपुट करेंगे, और जिसमें सबसे ज़्यादा कंटिन्यूटी मिले इसमें हम कैपेसिटर का वायर जोड़ेंगे। तो इस तरह मल्टीमीटर से हम चेक कर लिए। अगर यही चीज़ अगर हमको सीरीज बोर्ड से चेक करना हो तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो सीरीज बोर्ड से चेक करने के लिए हम सेम तरीके से सीरीज बोर्ड में लगाएंगे। उसके बाद इसको चेक कर लेंगे कि इस वायर में कंटिन्यूटी है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, यानी इसमें है कि 100 वाट का जो बल्ब हम इसमें लगाए हुए हैं, जब इसमें हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो ये हल्का हल्का ग्लो कर रहा है। उसके बाद दूसरे वाला वायर में चेक करेंगे, थोड़ा ज़्यादा ग्लो करेगा। यानी जिस तार में थोड़ा ज़्यादा ग्लो करेगा उसमें 220 वोल्ट की करंट हम इनपुट देंगे, और जिस वायर में 100 वाट की LED बल्ब कम ग्लो करेगा तो इसमें हम कैपेसिटर का वायर जोड़ेंगे। इस तरह आपको चेक कर लेना है पहले। उससे पहले एक चीज़ और आपको चेक कर लेना है, इसमें बॉडी अर्थ आ रही है कि नहीं। किसी एक वायर पे इस तरह आप टच कर लीजिएगा और यहाँ पे बॉडी पे सटाकर चेक कर लीजिएगा, फिर दूसरे वायर पे इस तरह लगाकर आपको चेक कर लेना है। अगर यहाँ पे बॉडी अर्थ आ रहा है तो कहीं ना कहीं क्वाइल में फूल, तो पहले आपको चेक कर लेना है, यहाँ पर कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा। उसके बाद चलिए इसको हम चलाकर देखते हैं। तो सेम तरीका से ये जो लटकाने वाला छड़ी है इसको हम पहले यहाँ पे चलिए कस देते हैं। जब इस तरह इस छड़ी को यहाँ पे कस दीजिएगा, जो लटकाने वाला छड़ी है, कैपेसिटर में दो वायर निकला हुआ रहता है तो एक एक वायर को जोड़ देना है। एक इस तरह पंखे से दो वायर निकला हुआ रहता है, कैपेसिटर की एक एक वायर को इस तरह जोड़ दीजिएगा। उसके बाद इसमें डायरेक्ट 220 वोल्ट के लिए दो वायर इनपुट के लिए निकला हुआ रहता है, इसमें दो वायर हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको सीरीज बोर्ड से ही इस पंखे को चेक करना है, ये नहीं कि डायरेक्ट आप मेन बोर्ड में लगा दीजिए, कहीं शॉर्ट होगा तो शॉर्ट सर्किट भी लग सकता है। तो यहाँ पे दोनों वायर को हम जोड़ लिए, उसके बाद सीरीज बोर्ड में हम इसको लगाएंगे डायरेक्ट। तो जैसे लगाएंगे यहाँ पे देखिएगा ये मोटर पूरी स्पीड के साथ यहाँ पे ये घूम रहा है। उसके बाद यहाँ से बंद करेंगे तो ध्यान से देखिएगा ये घूमना बंद कर दिया। फिर यहाँ पे हम चालू करेंगे तो देखिएगा ये घूमना चालू कर दिया, यानी इसका प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक होगा। पहले ये गनगनाहट की यानी वाइब्रेट की आवाज़ कर रहा था, अब ये बिल्कुल 100% ओके हो गया। इस तरह बहुत आसानी से इस तरह का कूलर पंखा को आप ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दबा के जाइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।